नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश चलाई आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर एक्स, टेन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस टेन इनवर्स एक्स बाई थ्री कुछ टू पाई बाई फोर। एक्स है वो 0 से ग्रेटर है और रूट 6 से लेस है, या हम कह सकते हैं एक्स इज लाइज बिटवीन ओपन इंटरवेल 0 टू रूट 6। तो गिवन इक्वेशंस को लेकर चलते हैं, हमें सॉल्व करना है, प्रूव नहीं करना। तो जब भी सॉल्व करना होता है तो कंप्लीट इक्वेशन लेके चलते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे, टेन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई थ्री अपॉन वन माइनस एक्स बाई टू इंटू एक्स बाई थ्री इक्वल टू पाई बाई फोर। टेन इनवर्स, यहाँ एलसीएम लेंगे तो सिक्स एलसीएम आएगा, तो जाएगा थ्री एक्स प्लस टू एक्स अपॉन सिक्स अपॉन, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर बाई सिक्स आएगा, तो सिक्स एलसीएम लेने पर सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वल टू पाई बाई फोर, सिक्स से सिक्स कैंसिल, इसे मैंने लिखा टेन इनवर्स फाइव एक्स अपॉन सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई फोर। दोनों तरफ टेन ऑपरेट करेंगे, टेन ऑपरेट करने पर टेन टेन इनवर्स कैंसिल, इस साइड में टेन ऑपरेट करने पर टेन पाई बाई फोर आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फाइव एक्स अपॉन सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन पाई बाई फोर। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि टेन इनवर्स वाई इक्वल टू थीटा हो तो टेन ऑपरेट करने पर टेन इंटू टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन थीटा, दिस इंप्लाइज वाई इक्वल टू टेन थीटा। इस लाइन से मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ कि टेन इनवर्स वाई इक्वल टू थीटा हो तो वाई इक्वल टू टेन थीटा होता है। सॉल्व करने पर फाइव एक्स अपॉन सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर, टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव एक्स इक्वल टू सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अगर पक्षांतरण करके लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। इससे अगर हम सॉल्व करें तो फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करके सोल्व करें तो इसमें फाइव एक्स को लिखा मैंने सिक्स एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन ले लिया एक्स प्लस सिक्स माइनस वन कॉमन लिया एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, दोनों में एक्स प्लस सिक्स कॉमन आ गया एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो या और एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज एक्स इक्व टू माइनस सिक्स और एक्स इक्व टू वन। लेकिन एक्स हमें जीरो से बड़ा पॉजिटिव दे रखा है, रूट सिक्स से छोटा दे रखा है, तो नेगेटिव एक्स नहीं ले सकते, इसलिए दिस इंप्लाइज एक्स इक्व टू वन। सिंस जीरो से ग्रेटर देन एक्स लेस देन रूट सिक्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स इक्व टू वन। इसमें दो तीन चीज़ें समझ लेते हैं कि जब भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारा जो ये हर है डिनोमेटर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर ये हम देखें तो इस वैल्यू के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर इसे मैं रफ में सरल करके दिखाऊं तो वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई सिक्स पॉजिटिव होना चाहिए, दिस इंप्लाइज वन ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर बाई सिक्स, दिस इंप्लाइज सिक्स ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, या इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर लेस देन सिक्स। और अगर एक्स स्क्वायर लेस देन सिक्स है तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि जो एक्स की वैल्यू है वो माइनस रूट सिक्स से बड़ी होनी चाहिए और रूट सिक्स से छोटी होनी चाहिए, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोड एक्स है वो लेस देन रूट सिक्स होना चाहिए। तो हमें इस इंटरवल के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, और ये इंटरवल इससे भी छोटा इंटरवल है तो जो बड़े इंटरवल के लिए लागू होता है वो छोटे के लिए भी लागू होगा। तो इस इंटरवल के अंदर जो भी वैल्यू है वो उसका कुछ पार्ट इस इंटरवल के अंदर है, तो चूंकि माइनस रूट सिक्स से प्लस रूट सिक्स की सब वैल्यू के लिए फॉर्मूला वैलिड है, इसका मतलब जीरो से रूट सिक्स की वैल्यू के लिए भी ये फॉर्मूला वैलिड होगा।